संजू सैमसन को खिलाओ, संजू सैमसन की 11 में जगह बनती है, एक तरफ लोग ये बोलते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि संजू सैमसन को और कितने मौके दोगे। 10 साल से संजू सैमसन खेल रहे हैं लेकिन अभी तक किसी भी फॉर्मेट में वो अपनी जगह पक्की नहीं कर पाए। इंडिया वर्सेस श्रीलंका की T20 सीरीज में भी उनको एक मौका मिला जब शुभमन इंजर्ड हुए, उसमें भी वो 0 पे आउट हो गए। और कई लोग ये भी बोलते हैं कि संजू सैमसन को इतना ऑन एंड ऑफ खिलाया जाता है जिस वजह से वो कभी रिदम पकड़ ही नहीं पाए, लगातार ना खिलाने की वजह से उनकी परफॉर्मेंस T20 में नहीं आ पाई। लेकिन ODI में संजू सैमसन की 50+ एवरेज है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, पर उस टीम में भी उनकी जगह नहीं बची। तो संजू सैमसन के इस क्यूरियस केस को किस तरीके से हैंडल किया जाए, आखिर संजू सैमसन क्या डिजर्व करते हैं? संजू सैमसन एक ऐसा नाम जो काफी समय से हेडलाइंस का हिस्सा बना हुआ है। 2024 T20 वर्ल्ड कप में इंडिया की 11 में संजू सैमसन को एक भी मैच में मौका नहीं मिला। कई लोगों का मानना था कि शिवम दुबे से पहले संजू की जगह 11 में बनती है, पर टीम मैनेजमेंट ने उन्हें नहीं खिलाया। हालांकि टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत गई लेकिन संजू को चांस नहीं मिला। T20 वर्ल्ड कप के बाद गौतम गंभीर को इंडिया का नया हेड कोच बनाया गया। फिर इंडिया टूर ऑफ श्रीलंका की अनाउंसमेंट होती है और सरप्राइजिंगली संजू सैमसन को इंडिया की ODI की 15 मेंबर स्क्वाड में भी जगह नहीं मिलती। ये काफी हैरानी की बात थी क्योंकि संजू की ODIs में परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। संजू ने अपने ODI करियर की 14 इनिंग्स में 56.66 की एवरेज से 510 रन बनाए हैं, जिसमें 350 और एक शतक शामिल है। साउथ अफ्रीका जाकर ODI सीरीज में संजू ने एक सेंचुरी लगाई थी, पर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी उनका नाम श्रीलंका के अगेंस्ट ODIs में नहीं आता है। गौतम गंभीर आज टीम इंडिया के हेड कोच हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा था कि जब वो हेड कोच नहीं थे पर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर संजू सैमसन की वो काफी तारीफ करते थे। एक बार उन्होंने ये भी बोला था कि जब संजू को ODI सीरीज में मौका नहीं मिला तो गौतम गंभीर ने कहा कि संजू को खिलाना या ना खिलाना टीम इंडिया की मैनेजमेंट के हाथ में, लेकिन अगर वो टीम में नहीं खेल रहे हैं तो ये टीम इंडिया का लॉस है। उन्होंने यहां तक भी कहा था कि अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा को जितना बैक किया गया है, अगर उतना बैक संजू को किया होता तो आज वो वर्ल्ड नंबर 1। संजू सैमसन एक विकेट कीपर बैट्समैन है और इस वक्त T20Is में उनका सबसे बड़ा कंपटीशन है ऋषभ पंत। हालांकि ऋषभ पंत के T20I स्टैट्स अच्छे नहीं हैं, पर टीम मैनेजमेंट की इस वक्त वो फर्स्ट चॉइस हैं। इसलिए जो भी मौके संजू सैमसन को मिल रहे हैं उनमें संजू को एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देनी होगी, तभी वो 11 में जगह बना पाएंगे। लेकिन T20Is में संजू के स्टैट्स कुछ खास नहीं। 25 इनिंग्स में संजू ने 444 रन बनाए हैं और उनकी एवरेज सिर्फ 20.18 की ही है और 132.93 का साधारण स्ट्राइक रेट। टीम इंडिया में अब रियान परा, शिवम दुबे और अभिषेक शर्मा जैसे ऑलराउंड ऑप्शंस आ चुके हैं, तो अब इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि संजू सैमसन के लिए जगह बनाना और भी मुश्किल हो गया। तो अब जितने भी गिने चुने मौके संजू को मिलते हैं उसमें उनको जबरदस्त एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, वरना टीम इंडिया में उनकी जगह कभी भी नहीं बन पाएगी। स्पोर्ट्स से जुड़ी ऐसी बहुत सारी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए स्पोर्ट्स तक। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।